एक्सवे के पेड़ों पर बैठी पुलिस कर रही निगरानी। मथुरा में 90 किलोमीटर में 150 पुलिसकर्मी तैनात। कार पर पत्थर फेंककर लूटने वाले बदमाशों की कर रहे तलाश। मथुरा में पुलिसकर्मी खेत में बैठकर और पेड़ पर चढ़कर पत्थरबाजों और लुटेरों को तलाश रहे हैं। 90 किलोमीटर की दूरी में 7 थानों से 150 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं 5 किलोमीटर तो कहीं 3 किलोमीटर पर एक पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। ये पुलिसकर्मी कहीं सादी वर्दी में तो कहीं पुलिस की वर्दी में तैनात हैं। एसओजी के जवान बंदूक और पुलिसकर्मी लाठी लेकर पेड़ पर बैठकर एक्सप्रेसवे पर दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर लंबा यमुना एक्सप्रेसवे का बड़ा हिस्सा मथुरा जिले की सीमा में आता है। यहाँ अलीगढ़ के टप्पल के बाद मथुरा की सीमा शुरू होती है, आगरा की खंदौली पर जाकर खत्म होती है। करीब 90 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे पर 7 थानों का इलाका है। एक्सप्रेसवे पर सुनसान होने के चलते पत्थरबाज और बदमाश आए दिन लोगों से लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। ये बदमाश चलती गाड़ी पर पत्थर फेंकते हैं, फिर यात्री की गाड़ी रोकने पर बंदूक के बल पर लूटपाट करके फरार हो जाते हैं। 29 मई को यमुना एक्सप्रेसवे पर बदमाशों ने दिल्ली के इंजीनियर को अपना शिकार बनाया था। शैलेंद्र पत्नी मुन्नी, ड्राइवर राकेश और परिवार के सदस्य मोहित के साथ कानपुर से दिल्ली जा रहे थे। इसी दौरान सुरीर क्षेत्र में पत्थरबाज लुटेरों ने शैलेंद्र सिंह की कार पर पत्थर फेंक कर लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। अचानक चलती कार पर पत्थर आकर लगने पर जब रोक कर देखा तो बदमाशों ने चारों तरफ से घेर लिया। बदमाशों ने तमंचे के बल पर शैलेंद्र की पत्नी मुन्नी के कानों के टॉप्स, चैन, 3 अंगूठी लूट ली। इसके बाद बदमाशों ने शैलेंद्र, मोहित और राकेश के पास मौजूद नकदी को भी लूट लिया था।